फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे आपका फोन मांगा और फोन देते ही आपको ये टेंशन हो गई कि यार कहीं ये मेरे प्राइवेट फोटोज और वीडियोस को देख ना ले, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें अपना फोन किसी को देना पड़ता है और देने के तुरंत बाद ही हमें लगता है कि अरे यार गलती हो गई, कहीं ये हमारे फोटोज और वीडियोज को देख ना रहा हो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टेक्निक को जिसके थ्रू हम अपने सारे फोटोज और वीडियोस को एक ऐसे प्लेस पे छुपा के रख देंगे जहां किसी को पता नहीं चलेगा और आप बड़ी बेफिक्री से अपना फोन किसी को भी दे सकते हैं। और आई गारंटी यू, इसके बाद आपके फोटोज और वीडियो कभी लीक नहीं होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज किंगडम। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं उस मेथड को जिसके थ्रू आप अपने प्राइवेट फोटोज, वीडियोस और दूसरी फाइल्स को बड़ी आसानी से किसी एप्लीकेशन में छुपा के रख सकेंगे और आई गारंटी यू कभी भी किसी को उसका एक्सेस नहीं मिल पाएगा। उस एप्लीकेशन का नाम है कैलकुलेटर हाइड ऐप। क्या कोई इमेजिन कर सकता है कि कोई अपनी फाइलों को, अपनी फोटोज़ को और वीडियोज़ को किसी कैलकुलेटर में छुपा के रख सकें? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, इस एप्लीकेशन में आप बड़ी आसानी से अपने फोटोज़ और वीडियोज़ को छुपा के रख सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाएँ और यहां टाइप करें कैलकुलेटर हाइड ऐप, और यहां पर आप थर्ड नंबर पर देख पा रहे हैं कि यहां पर कैलकुलेटर फोटोज वॉल्ट और वीडियो वॉल्ट के लिए एप्लीकेशन आई हुई है। मैं इसे यहां क्लिक करता हूं और इसे इंस्टॉल करना शुरू करता हूं। फ्रेंड्स, कोई सपने भी नहीं सोच पाएगा कि कैलकुलेटर में कोई अपनी फोटोज और वीडियोज को छुपा के रख रहा है। बड़ी छोटी एप्लीकेशन है, देख रहे हैं कि आप बड़ी तेजी से यहां इंस्टॉल हो चुकी है। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यदि आप उसे क्लिक करते हैं तो इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली अपने फोन में इंस्टॉल कर पाएंगे। मैं फिलहाल इसे ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद यहां पर मुझे कहा जा रहा है कि मुझे 4 to 8 डिजिट का एक पासवर्ड सेट करना है और उसके बाद में मुझे यहां पर इक्वल साइन को प्रेस करना है। मैं यहां पर इसे 1 2 3 4 5 6 मैंने एक डेमो पासवर्ड यहां सेट कर लिया है और यहां पे इक्वल साइन को मैंने प्रेस किया है। इसके ठीक बाद मुझे कहा जा रहा है कि मुझे फिर से वही पासवर्ड डालना है, उसके बाद फिर से मुझे अपने इक्वल साइन को प्रेस करना है। ठीक है, हम फिर से रिकन्फर्म करते हैं अपने पासवर्ड को 1 2 3 4 5 6। फिर से हम दबाएंगे इक्वल साइन। अब खुल गई हमारी एप्लीकेशन जो एक्सेस के लिए हमें परमिशन मांग रही है। हम अलाउ करते हैं अपने स्टोरेज के लिए, फोटोज मीडियाज के लिए हम इसे परमिशन देते हैं और इसके बाद में हम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये हमसे पूछ रहा है कि विच इज़ योर बर्थ प्लेस। हमारा बर्थ प्लेस हम यहाँ पर डाल देते हैं। मैं डाल देता हूँ मुंबई, और इसके बाद में ये कह रहा है कि जब कभी भी आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो ये जो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये आपको याद दिलाएगा कि आपके फोटोज वीडियोज कहाँ पर कैसे रखे हैं। इसके ठीक बाद कहा जा रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट टिप हमें दे रहा है कि यदि इन केस आपको ये भी याद नहीं रहता है तो एक यहाँ पर शॉर्टकट इन्होंने बता रखा है कि आप 1 1 2 2 3 3 4 4 यदि आप प्रेस करते हैं और इक्वल साइन प्रेस करते हैं तो आप अपने पासवर्ड को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ समझ चुके हैं। एक यहाँ रिकवरी ईमेल के लिए हमें कहा जा रहा है। मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर चूज़ करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ, यहाँ सेव करता हूँ। तो अब मेरे पास आ गया है फ्रेंड्स वो इंटरफेस जिसके थ्रू मैं अपने फोटोज़ और वीडियोज़ को सेव कर पाऊँगा। देख, डेमो मैं आपको देता हूँ। देखिए, यदि मुझे अपने पिक्चर्स को यहाँ पर सेव करना है, यहाँ पर मैं पिक्चर्स में जाता हूँ और ये मुझे कह रहा है कि आप ऐड करिए। मैं अपनी यहाँ पर जैसे जाता हूँ तो मुझे मिलते हैं यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस, यानी कि मैं अपने पिक्चर्स के रूप में अपने डॉक्यूमेंट, वीडियोज़, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपने देखने को मिल रही है। मैं अपने पिक्चर्स में जाता हूँ और यहाँ मैं एक फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने फ़ोटो को जैसे सिलेक्ट किया है, मुझे कहा जा रहा है मूव टू वॉल्ट। अब एटलीस्ट एक फाइल को मुझे चूज़ करना है। मैंने जैसे इसे कहा कि क्या मुझे इसे एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करना है, यानी कि क्या मैं चाहता हूँ कि मेरी जो गैलरी से ये फ़ोटो हट जाए और यहाँ आके सेव हो जाए, तो मैं इसे ओके करता हूँ। जैसे मैं इसे कहता हूँ, ये जो हमारी पिक्चर है वो एनक्रिप्शन फॉर्म में यहाँ पर आके सेव हो चुकी है, ये एनक्रिप्टेड हो चुकी है। अब मैं इसे यहाँ से ओके करता हूँ। अब ये जो फ़ोटो है ये यहाँ पर आके सेव हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर पीछे आता हूँ, बैक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं किसी वीडियो को भी यहाँ पर सेव करूँ। मैं यहाँ वीडियो में जाता हूँ, यहाँ मैं किसी भी एक वीडियो को यहाँ पर चूज़ करता हूँ और एक ख़ास एक बच्चे का जो फ़ोटो है मैं इस वीडियो को यहाँ पर एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव कर लेता हूँ। देख रहे हैं कि एनक्रिप्टिंग जो है यहाँ पर चल रही है और बहुत जल्दी ये पूरा वीडियो एनक्रिप्ट होकर इस प्राइवेट स्पेस पे आकर लोकेट हो जाएगा। मैंने इसे ओके कर दिया है। यहाँ पर मेरे जो पिक्चर्स हैं और वीडियोस दोनों यहाँ पर आके सेव हो गए हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अपनी फाइल्स को भी
यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। बहुत अलग अच्छी एप्लीकेशन है। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक डायरेक्ट कुछ वीडियो लेना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्ट फ़ोटो भी ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि मैं डायरेक्ट फ़ोटो लेता हूँ तो हमारे जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट फ़ोटो भी ले सकती है। आप यहाँ से डायरेक्ट फ़ोटो भी ले सकते हैं, मैं पीछे आता हूँ, और यहाँ से आप डायरेक्ट अपना वीडियो भी इजीली बना सकते हैं। कैप्चर वीडियो ऑप्शन भी है, तो आप किसी लाइव फ़ोटो और लाइव वीडियो को भी इस तरीके से यहाँ पर लेकर डायरेक्टली यहीं पर सेव कर सकते हैं। अब सबसे मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अब यदि आपने यहाँ पर अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को ले लिया, आपसे सेव कर लिया है, अब इसके बाद अब यदि आप इस एप्लीकेशन से बाहर आ जाते हैं, अब मैं फिर से इस एप्लीकेशन में जाता हूँ, यदि मैं जाता हूँ, अब मैं वो पर्सन हूँ जो मुझे जिसे पता नहीं है कि ये क्या है, एप्लीकेशन किस प्रकार की है, तो मैं इजीली जब मैं इसमें जाऊंगा तो मैं ये सिर्फ 2+2 करेंगे तो ये 4 बताएगा। उसे लगेगा कि ये बिल्कुल जस्ट एक एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन है। जैसे मैंने 44+44 किया है तो 88, उसको लगेगा यार ये तो जस्ट सिंपल एप्लीकेशन है। लेकिन यदि जब आप जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये एप्लीकेशन किस टाइप की है, अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ 123456 जो हमारा पासवर्ड था। अब मैं यहाँ पर इसे इक्वल साइन को प्रेस करता हूँ। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि आपकी जो पिक्चर्स और वीडियोस हैं वो यहाँ पर सेफली रखी हुई हैं और आप इनको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न ये कि हम चाहते हैं कि ये जो पिक्चर्स और वीडियोस हैं वापस हमें हमारी गैलरी में नज़र आ जाए। हम चाहते हैं कि नहीं नहीं अब बस अब काफ़ी हो गया, अब हम चाहते हैं इन पिक्चर्स को अपनी गैलरी में देखने के लिए। तो इसके लिए सिंपल मेथड है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जाएँ पिक्चर्स में वापस, यहाँ आने के बाद इसे लॉन्ग प्रेस करके रखें। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ताले जैसा आइकॉन बना हुआ है, लॉक बना हुआ है, आप इसे जैसे आप टैप करते हैं ये ओरिजिनल पाथ आ तो आपसे बताएगा कि ये आपका ओरिजिनल पाथ है, आप उसे ओके करें। यहाँ साफ लिखा गया फ्रेंड्स, वन फाइल वॉज अनहाइडेड सक्सेसफुली। आप अपने जो भी हाइडेड फोटोज़ और वीडियोज़ हैं उन्हें आप फिर से अपनी गैलरी में सक्सेसफुली ले जा सकते हैं और बड़े आराम से इस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे और भी रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मैसेज के रूप में मिलते रहें और आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।